रोमांटिक रिश्तों के लिए सात आदतें, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी रहो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहो, आपको रोमांटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो ये सात आदतें आपको जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, हैव फिजिकल इंटीमेसी, मतलब फिजिकली शारीरिक दृष्टि आप एक में के क्लोज आते जाओ। पति पत्नी रहे तो बहुत क्लोज आना जरूरी है, और हाथ में हाथ पकड़ना, हग करना, झप्पी देना, किस करना, ये बातें करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं एक घर में गया था सुबह उनके यहाँ कुछ काम के लिए, तो जैसे जो उनके पति थे वो भी मेरे साथ साथ ही, मतलब वो बाहर से कहीं चक्कर मार के घूम के आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, उन्होंने बेल दबाई, उनके पत्नी ने दरवाजा खोला, उनके साथ साथ पीछे मैं भी अंदर गया। जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने अपने पत्नी से झप्पी मार लिया। मुझे क्या लगा कि ऐसा कुछ बाहर गांव से आए, बहुत दिन के बाद में आए तो इसलिए झप्पी लगा दिया। मतलब ये क्या है, आप तो मतलब बाहर गांव से वगैरह तो नहीं आए? नहीं, बोले हम तो ऐसा बार बार झप्पी मारते रहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी, तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत जरूरी है और उससे बहुत प्यार होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप होती रहती है। दूसरा है फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन, मतलब एकदम खुला कम्युनिकेशन है। जब आप एक दूसरे से आप संवाद करते रहते हैं और वो खुला संवाद करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता है। हम क्या करते हैं, हम तो विवाद ज्यादा करते हैं, विसंवाद होता है, संवाद नहीं होता। तो हमारा संवाद होना जरूरी है, और वो भी खुला संवाद जब आप करते हो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता है। नथिंग हिडन, सब ट्रांसपेरेंट है, सभी मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, पारदर्शकता है, सब कुछ एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं तो उससे बहुत प्यार बढ़ते रहता है। हर रोज हमने ये देखना है। तीसरा, हमने रोज ये देखना है कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नया 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 तरीका ढूंढने का है। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप से कुछ अलग अलग कोट शेयर करते हो, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स वो शेयर करते, मतलब आप बिजनेस में हैं, पत्नी घर में है आपके, और वहां से आप शेयर करते हो, हेलो कॉल करते हो, जो भी कुछ है, मतलब आप कुछ ना कुछ तरीके, नए 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 तरीके, बदल बदल के तरीके यूज करते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें काफी अच्छा रोमांस बढ़ता है, कनेक्टिविटी अच्छी रही तो कभी भी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। चौथा जो है कि आपका कोई भी कारण से झगड़ा होता है तो वो झगड़ा उसी दिन आपने बंद करना चाहिए, मतलब वो समाप्त होना चाहिए। कुछ भी झगड़ा लेके आप बेड पे जाते हो, मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ, बेड पे चले गए, वैसे ही सो रहे, वो कभी नहीं करने का है। पति पत्नी के संबंध में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो उनके संबंध में, झगड़ा कभी भी हुआ है तो वो उसी दिन उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दूसरे को जो भी बोलना है बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, जिसकी भी गलती है उसने माफी मांग के पीछे हटना चाहिए एक कदम। झगड़ा लेके दूर नहीं जाना है, झगड़ा लेके आप अलग हो जाते हो और दिमाग में वो रखते हैं। हो सकता है कि एक दिन दो दिन के बाद में वो दिमाग शांत हो जाएगा, मगर अंदर जो कीड़ा घुसा हुआ है, अंदर जो चूहा मरा हुआ है, वो वैसे रहता है। फिर क्या होता है, वो आपने बोला नहीं, फिर दूसरे दिन और कुछ तो भी हो जाता है, और कुछ झगड़ा हो गया, फिर दूसरा झगड़ा, अंदर चश्मे के ऊपर पहला स्क्रैच है, चश्मे के ऊपर दूसरा स्क्रैच है, वहां से फिर आप एक दूसरे को देखना चालू करते हो, वहां से झगड़े, और एक दिन क्या होता है, एक दिन एकदम बॉम्ब ब्लास्ट जबरदस्त। फिर हमको लगता है कि छोटे कारणों से इतना कैसा गुस्सा आ गया भाई, क्योंकि पहले से झगड़े धीरे 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 बढ़ते गए और आपको जमा होते गए, वो जो सप्रेस था वो जमा होते गया, एक दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो उस दिन का झगड़ा उसी दिन खत्म करना है, जो भी है एक्सप्रेस कर देने का है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा जो है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना है, मतलब कोई एक अच्छा काम करता है तो कॉम्प्लीमेंट देना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी है। तुझे पत्नी अच्छी सब्जी करती है तो आप वो बोल सकते हैं कि अच्छा खाना बनाया, उसने जो भी कुछ अच्छा किया तो आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, नहीं क्या? और वो जो आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। किसी को भी शादी के पहले आप अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, शादी के पहले आप जो भी बातें करते हैं कि यू आर लुकिंग स्मार्ट, बहुत ही खुश अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो शादी के पहले वाले डायलॉग शादी के एक साल बाद तो खत्म ही हो जाते। तो प्रशंसा करना, एक दूसरे की तारीफ करना, जो भी कुछ अच्छा है उसकी, और जो भी कुछ गलतियां बताने का है तो वो सैंडविच अप्रोच से गलतियां बताने का। सैंडविच अप्रोच मतलब पहले तारीफ है, बाद में गलतियां हैं, बाद में तारीफ है,
तो सैंडविच जैसा है कि ऊपर ब्रेड है, बीच में मसाला है, नीचे ब्रेड है, तो वैसा आप यदि प्रशंसा करते हैं और गलतियां बताते हैं तो फिर उसमें संबंध अच्छे रहते हैं। छठवां पॉइंट है कि आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में बात करना जो है वो सबसे तकलीफदेह होता है। लोग आज के बारे में, मतलब आज का ही सोचते हैं लोग, आज कल परसों क्या हो गया, कल क्या होने वाला है, मतलब इसके बारे में। फ्यूचर साथ में रह के फ्यूचर जब आप क्रिएट करते हैं और वो फ्यूचर फिर आपको प्रेरित करता है कोई भी काम करने के लिए, वो आपको खींचता है कोई भी काम करने के लिए, फ्यूचर आपको एक्शन देता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो फ्यूचर से जब आप बात करते हैं तो संबंध बहुत ज़्यादा पक्के होते जाते हैं। तो हरदम फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, अपने पढ़ाई का फ्यूचर, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, अपना प्रोफेशन या बिजनेस हो उसका फ्यूचर, फैमिली का फ्यूचर, मतलब ऐसा हम क्रिएट करते हैं तो उससे संबंध बहुत ताकतवर हो जाते हैं। सातवां पॉइंट कि जोक्स जो है, कोई जोक्स होते हैं वो शेयर करो दिन भर के आखिरी में बैठने के बाद में। क्वालिटी टाइम स्पेयर करना, जोक शेयर करना, कुछ हंसी मजाक की बातें करना, वो जब आप करते रहते हो और छोटी छोटी बात के ऊपर हंसते हो, छोटी गलतियों के ऊपर भी हंसते हो और एक दूसरे को शेयर करते हो, तो वो भी अपने संबंध पक्के होने में मदद करता है। तो ये हम सात आदतें हमारे में लाते हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप है बहुत रोमांटिक हो जाएगी, जीवन जीने में बहुत मजा आ जाएगा, पारिवारिक लाइफ जो है बहुत खुशियों से भरा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डॉक्टर केयरकर, वो आप डाउनलोड करो, उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन से आपके प्रॉब्लम के जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।